हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितेश है और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने डॉग एंड बर्ड स्पेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कई बार हमारे साथ होता है कि बजी तोते बाहर अंडे देते हैं। जो बजी तोते की फीमेल होती है वो बाहर अंडे दे देती है, दाने के पॉट में या ज़मीन पे कहीं पे भी। तो दोस्तों, होता यह है कि कई बार फीमेल मटकी सेलेक्ट करने में लेट हो जाती है, या फिर जिस मटकी को उसने सेलेक्ट करा होता है तो उसमें दूसरी फीमेल कब्जा कर लेती है, उसको मार के भगाती है, वहाँ उस मटकी में नहीं घुसने देती है। तो भी फीमेल यही करती है कि बाहर अंडे दे देती है ज़मीन पे। और कई बार ये भी होता है कि फीमेल ज़मीन पर अंडे इसलिए भी दे देती है कि वो एक्सपीरियंस नहीं होता उसको, जो नई फीमेल होती है जो फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रही होती है तो उसे पता नहीं होता है, तो वो भी ज़मीन पर कई बार अंडे दे देती है। तो दोस्तों, यही रीज़न है जिस वजह से फीमेल हमारी ज़मीन पे अंडे दे देती है। और कई बार दोस्तों होता ये है कि बजी तोते अपने अंडों को बाहर फेंक देते हैं। दोस्तों, बजी तोते अपने अंडों को बाहर इसलिए फेंक देते हैं कि कई बार हम ऐसा करते हैं कि उनके केज के पास कुछ आना जाना कुछ ज़्यादा कर देते हैं, या फिर हम उनको पकड़ पकड़ के चेक करते हैं, उनकी वेंट पर हाथ लगा के कि हाँ एक और अंडा देगी या नहीं देगी या दे चुकी। कई बार हम ऐसा भी करते हैं, या कई बार ऐसा करते हैं कि उनकी मटकी के जो ढक्कन होते हैं उनको हटा के देखते हैं, अंडों को उठा उठा के चेक करते हैं कि अंडे सही हैं या ख़राब हो गए। तो दोस्तों, इस रीज़न से भी फीमेल अंडों को बाहर उठा के फेंक देती है। और कई बार होता ही है कि फीमेल को अंडे दे देती है और वो अनफर्टाइल होते हैं कि उसकी मेटिंग ठीक से नहीं हो रही होती है। तो भी दोस्तों, यही होता है कि फीमेल अंडों को उठा के मटकी के बाहर फेंक देती है। और दोस्तों, इसी में एक रीज़न ये भी होता है कि फीमेल को किसी का डर रहता है, सब या जैसे कोई बिल्ली या कुत्ता वगैरह उनके पास में आता है तो भी दोस्तों वो अपने अंडों को उठा के बाहर फेंक देती है दोस्तों। और दोस्तों, होता ये कि कई बार फाइट होती है फीमेल की दूसरी फीमेल से, जो फीमेल अंडे दे रखी है उसकी कोई दूसरी फीमेल उसी मटकी में अंडे देना चाहती है जिसने पहले से अंडे दे रखे उसी मटकी के अंदर। तो दोस्तों, होता यह है उनमें फ़ाइट होती है, और जो नई फीमेल होती है जो अंडे देना चाहती है उस मटकी के अंदर, तो वो पुरानी फीमेल के अंडों को उठा के बाहर फेंक देती है। तो दोस्तों, ये रीज़न होता है फीमेल की अंडे बाहर क्यों फेंक देती है। हमें लगता है कि फीमेल ने उठा के अंडों को बाहर फेंक दिया है, पर कई बार ऐसा नहीं होता है। और कई बार दोस्तों होता यह है कि फीमेल अंडे दे देती है और अंडे देने के बाद में वो उस पर बैठती भी है। आप देखते हैं कि हाँ, फीमेल रोज़ अंडों पे बैठ भी रही है और फिर भी उसने अंडों को उठा के बाहर फेंक दिया। तो दोस्तों, होता यह है कि कई बार आप देखेंगे कि अंडे को दिया हुआ 18 दिन या 25 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब फीमेल के बच्चे जो निकलते हैं अंडे में से वो 18 दिन से 22 दिन 25 दिन लास्ट उसके अंदर बच्चे निकल जाते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर, और अगर इसमें नहीं निकलते हैं तो अंडा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, कई बार आप देख सकते हैं इस वजह से फीमेल बाहर फेंक देती है। और कई बार ये होता है कि अंडे के अंदर ही बच्चा मर जाता है, तो अंडा क्या है काला होने लग जाता है, अंडा काला हो जाता है तो उसको फीमेल उठा के बाहर फेंक देती है। जो अंडा काला हो जाता है उसमें बच्चा मर चुका था, उसमें से बच्चे निकलेंगे नहीं, तो वो उसको फीमेल उठा के अंडे को बाहर फेंक देती है। तो दोस्तों, ये रीज़न होता है फीमेल का अंडों को बाहर फेंकने का। अब दोस्तों, हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक की कि बजी तोते अपने अंडों को फोड़ देते हैं, फोड़ के खा जाते हैं। दोस्तों, ऐसा दोस्तों होता है इसलिए कि फीमेल कई बार होता है कि फीमेल के अंदर कैल्शियम की कमी होती है जिस कारण से वो अंडे सही साइज़ के नहीं देती है। जैसे कि अंडे कई एक अंडा छोटा होगा, एक अंडा बड़ा होगा, या अंडा कच्चा होगा दोस्तों, तो भी फीमेल ऐसा ही करती है। उसे पता होता है कि अंडों में से बच्चे नहीं निकलेंगे तो वो उसे बाहर फेंक के उसे फोड़ के खा जाती है। ये रीज़न होता है जिससे कि फीमेल अपने अंडों को फोड़ के खाती है, उसमें कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम इसलिए दोस्तों हम उन्हें प्रोवाइड कराते हैं कि जिससे कि उनको कैल्शियम की कमी ना आए और अंडे दें तो वो सही से दें, उनकी साइज़ छोटी बड़ी ना हो। तो दोस्तों, ये रीज़न होता है फीमेल का अंडों को बाहर फेंक देने का। तो दोस्तों, एक रीज़न आपको मैं और बता दूं कि कई बार अपने साथ होता यह है कि आपने देखा होगा कि कई बार होता यह है फीमेल होती है जो बच्चे भी निकाल लेती है, बच्चे को दाना वगैरह खिलाती है, और पता चलता है कि कुछ दिन बाद में उसने बच्चों को उठा के बाहर फेंक दिया। जो छोटा बच्चा होता है, जैसे कई बार फीमेल 5 बच्चे दे देती है, तो होता ही है कि
एक बच्चे को उठा के बाहर फेंक देती है जो छोटा होता है। तो छोटे बच्चों को फीमेल इसलिए बाहर फेंक देती है उठा के मार के, कई बार उनका सिर वगैरह खा के उन्हें मार के उन्हें बाहर फेंक देती है। आप देखोगे उस फीमेल के मुंह पे या उसके शरीर पे खून लगा हुआ होता है, तो वो क्या है उस बच्चे को मार के बाहर फेंक देती है। तो दोस्तों रीज़न ये होता है उसका कि कई बार हम उन्हें दाना वगैरह नहीं दे पाते। कई बार होता है कि अगर पोट खाली रह जाता है, कई बार आप देखना कि अगर आपका कभी पोट खाली रह जाता है बजरी तोते का जिसने अंडे बच्चे हैं उस पिंजरे में, तो दोस्तों होगा ये कि वो उस अंडे को उस बच्चे को, और अंडों में भी ये होता है कि अगर आप उन्हें ढंग से दाना वगैरह नहीं दे रहे हैं, अगर उनका पोट खाली रहता है उनको खाने को ढंग से नहीं मिलता है, तो भी वो अंडों को बाहर फेंक देते हैं और बच्चों को भी इसी तरीके से बाहर फेंक देती है फीमेल। जब उसी को खाने को नहीं मिलता तो वो अपने बच्चों को कैसे पालेगी, इसलिए वो अपने बच्चों को उठा के मार के बाहर फेंक देती है। तो दोस्तों कुछ यही रीज़न होते हैं जो इसके कि बजरी तोतों में हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों हमेशा आप अपने बजरी तोतों का दाने का पोट हमेशा भरा हुआ रखें। जब आप अपने बजरी तोतों से बच्चे अंडे बच्चे लेना चाहते हैं तो इस बात का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना, आपके बजरी तोतों का पोट दाने का और पानी का कभी खाली ना हो और पानी एकदम साफ़ हो। पानी आप दिन में 2 से 3 बार चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों पानी तो वैसी कोई बात नहीं है, अगर आपका साफ़ रहता है पानी तो चल जाता है उससे भी काम कि हाँ आप अगर पूरे दिन में अगर एक बार चेंज करते हैं, अगर वो गंदा नहीं करते उस पानी को तो आप पूरे दिन में एक बार चेंज कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा गंदा होता है तो आप दोस्तों 2 बार तो उस पानी को चेंज कर ही दिया करें। और दोस्तों अगर ये चीज़ ख़ास ध्यान रखनी है आपको कि आपके बजरी तोतों के दाने का पोट हमेशा भरा हुआ रहे। आप उसको फूड सुबह देते हैं, थोड़ी देर बाद में उसको निकाल देते हैं आप 2 घंटे में 3 घंटे में, जब वो खा के उसे फ्री कर देते हैं 2-3 घंटे में, तो आप उसको बाहर निकाल देते हैं जितना खा लिया उन्होंने, या फिर उसे आप देते हैं इतनी क्वांटिटी में कि वो जितना खा सकें। तो दोस्तों ये सही है, पर आप बजरी तोतों का जो दाना होता है जिसमें आप जैसे कंगनी देते हो या बाजरा देते हो कुछ भी देते हो आप, वो पोट हमेशा आप भरा रखेंगे तो आपके साथ ऐसी दिक्कत कभी नहीं आएगी। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना दोस्तों ना भूलिएगा। और मिलेंगे अगली वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।